नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार पब्लिक से आपकी बातचीत कर रहे हैं। एक दो महिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम किरणपाल कौर है। मैम आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? हम तो काफ़ी टाइम से है मैम यहाँ से। कितना विश्वास है आपको संत जी? विश्वास तो हम बहुत ज़्यादा है पिताजी पर, इतना विश्वास है, कहने सुनने से परे है। और जो भी मालिक ने किया है हमें बस बता नहीं सकते उसको। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव है डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद? पहले देखो प्रेमी के इतना विश्वास है हमें डेरे से, हमारा मतलब सारा जिंदगी बदल गई यहाँ पे आने से। हम तो पहले पंजाब में थे, अब पिताजी लिए हम हरियाणा में आ गए। मैम आप इतनी दूर से उनके लिए यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए, इतना टूट विश्वास क्यों है आपको? क्या मिलता है आपको डेरा सच्चा सौदा में आने से? डेरा सच्चा सौदा आने से देखो, पहले तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए मेन मकसद है, यहाँ सारी सहूलत है जो भी है, मतलब अच्छा पिताजी ने नामदान देने, बच्चों को सही रास्ते पर लाना, और हर चीज़ में सफलता ही सफलता है। मैम संत जी, ऐसे संत जी के ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए गए, क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है? ये तो सब झूठे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं सिर्फ बंद करवाने के लिए, ये तो बस माल की जाने उसका। मैम बेटियों की सुरक्षा को लेकर 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये सब गलत है, बस माल की उसका नहीं। मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे सर? बस यही है, हमारे पिता जल्दी जल्दी हमारे बीच हों, और बस यही दरख्वास्त है कि हमारे पिता जल्दी से हमारे हों। तो दोस्तों देखिए, लगातार जनता की यही अपील, संत जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सब बिल्कुल गलत हैं, और संत जी जल्दी से जल्दी समाज में वापस आने चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए द फैक्ट।